बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रत्न ही नहीं तो पेड़ों की जड़ भी करे धारण, जिससे आपके ग्रह अनुकूल बने। आइए इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं, जानते हैं। ज्योतिष विद्या को भी एक विज्ञान ही माना जाता है। इस विद्या से भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी मिल जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को का भाग्योदय नहीं हो पाता है। अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। ग्रहों से शुभ फल प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्रह का रत्न पहनना एक उपाय है। असली रत्न काफी ही मूल्यवान होते हैं, जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। इसी वजह से कई लोग रत्न पहनना तो चाहते हैं, लेकिन धन अभाव में इन्हें धारण नहीं कर पाते। ज्योतिष के अनुसार रत्नों से प्राप्त होने वाला शुभ प्रभाव अलग अलग ग्रहों से संबंधित पेड़ों की जड़ को धारण करने से भी प्राप्त किया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है। चंद्र ग्रह के लिए अगर चंद्रमा से शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप सोमवार को सफेद वस्त्र में खिरणी की जड़ सफेद धागे के साथ धारण करें। मंगल ग्रह के लिए को शुभ बनाने के लिए अनंत मूल या खीर की जड़ लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डालकर मंगलवार को आप धारण करें। बुध ग्रह के लिए बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा की जड़ को हरे धागे में पहनने से बंधु की अशुभ जो है आपको प्रभाव दूर होते हैं। सूर्य ग्रह के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो सूर्य के लिए माणिक रत्न बताएगा। माणिक के विकल्प में बिल्वपत्र की जड़, बेल की जड़ या गुलाबी धागे में रविवार को धारण करना चाहिए। इससे सूर्य से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए इनकी अशुभता को दूर करने के लिए केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गुरुवार को धारण करें। शुक्र ग्रह के लिए गुलर की जड़ सफेद वस्त्र में लपेटकर शुक्रवार को सफेद धागे के साथ गले में धारण करने से शुक्र ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह के लिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी पेड़ की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे में धारण करना चाहिए। राहु ग्रह के लिए कुंडली में यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो राहु को शुभ बनाने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए, जिससे ग्रह अनुकूल बने। केतु ग्रह के लिए इनकी शुभता प्राप्त करने के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। जो लोग रत्न नहीं पहन सकते हैं उन्हें अपने ग्रह के अनुसार अपने ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार।